Latika Roy Memorial Foundation Red Balloon 2021. The third Moy Moy Memorial Lecture Series mein aap sabhi ka swagat hai. Sabse pehle main aap sabse ek request karna chahungi ki aap sab apne mics please mute kar lijiye. Hum bhi aapko mute karne ki koshish karenge jisse sab log aaram se sun paaye. जब हमारी स्पीकर अपना लेक्चर खत्म कर देंगी उसके बाद हम सबको आधे घंटे का अवसर प्राप्त होगा जिसमें हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं. आप सबकी स्क्रीन के दाहिने ओर एक आइकॉन है जिसमें लिखा है Q&A. आप कृपया अपने सवाल उसमें टाइप कर दें. थैंक यू. लतिका रॉय फाउंडेशन की स्थापना का कारण मोय मोय चोपड़ा मकगवन है जिनका जन्म 1989 में हुआ था. पिछले 25 वर्षों से विकलांगता के क्षेत्र में पाथ ब्रेकिंग कार्य कर रही हमारी फाउंडेशन की प्रेरणा मोय ही हैं. भले ही मोय शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है लेकिन फिर भी वे हमारी ध्रुव तारा हैं, हमारी मार्गदर्शक सितारा हैं. 218 में मोय मोय के देहांत के बाद हमारी लेक्चर सीरीज उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि बन गई. मोय का अपना जीवन और दूसरों की भलाई करने की जो अविश्वसनीय शक्ति हम सबको उनसे प्राप्त हुई है उसको हम सब सेलिब्रेट करते हैं. LRF हमेशा एक बेहतर दुनिया की ओर बढ़ने के नए तरीकों पर विचार करने के लिए कमिटेड है. हमारी फाउंडेशन एक ऐसा मंच बनने का प्रयास करती है जो रोजमर्रा के मुद्दों पर नए दृष्टिकोण लाती रहे और समाज की सेवा के लिए नए विचार उत्पन्न करती रहे. हमारी लेक्चर सीरीज 2005 में सर रतन टाटा डिस्टिंग्विश लेक्चर सीरीज के रूप में शुरू हुई. उस समय हमारा ध्यान विकलांगता और एजुकेशनल इंक्लूजन पर था और हमारे लेक्चर सीरीज का दायरा बढ़ता गया है और अन्य वक्ताओं ने आर्थिक समावेश, बाल तस्करी, विवाह समानता और अन्य मूलभूत मुद्दों पर भी चर्चा की. लतिका रॉय फाउंडेशन ने इन्हीं लेक्चर सीरीज के अंतर्गत दो म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स का भी आयोजन किया. ये दोनों कॉन्सर्ट्स फॉर इंक्लूजन थे और पिछले साल भाई बहन का जादू इस लेक्चर में कैथलीन और आनंद चोपड़ा मैकगवन तथा अन्य भाई बहनों के एक पैनल ने परिवारों में विकलांगता के बारे में बात की थी. आज डॉक्टर रूपा श्रीनिवासन लेक्चर में एक स्पष्ट प्रश्न पूछती हैं. क्या इंद्रधनुष एक रंग से बन सकता है? क्या एक रंग इंद्रधनुष को बना सकता है? क्या हम वास्तव में चाहते हैं वो एक रंगी मोनोक्रोमैटिक दुनिया जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं? डॉक्टर रूपा एक लोकप्रिय बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जो कई वर्षों से लतिका रॉय फाउंडेशन की सलाहकार और मित्र हैं. वह मुंबई में स्थित उम्मीद बाल विकास केंद्र में क्लिनिकल सेवाओं की निदेशक हैं. वहां बच्चों और उनके परिवारों को वह अवश्य सपोर्ट मिलती है जो बिल्कुल जैसा वो चाहते हैं वैसी ही है, उनके मन चाहे रंगों से भरी. आज के विषय के लिए हम डॉक्टर रूपा से अधिक उपयुक्त वक्ता की आशा भी नहीं कर सकते थे. डॉक्टर रूपा के 45 मिनट की बातचीत के बाद याद रखिएगा हम प्रश्न उत्तर का एक सत्र करेंगे उनके साथ. डॉक्टर रूपा श्रीनिवासन, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू एड्रेस आवर ऑडियंस नाउ. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद रूपा. ये एक हैप्पी कोइंसिडेंस है कि आज पहली बार जो मुझे इंट्रोड्यूस कर रही हैं उनका भी नाम रूपा है और मेरा भी नाम रूपा है. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. और मेरा बस चलता तो मैं अभी देहरादून में होती.
आप सब से फेस टू फेस मिल रही होती और मैंने सोचा कि उसके अभाव में, उसके एब्सेंस में मैं आपको हमारे सेंटर की एक झलक दिखा दूं। तो मेरा जो बैकड्रॉप है, हमारा जो सेंटर है उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, उसके एक कॉरिडोर का बैकड्रॉप है। तो उम्मीद करती हूँ कि कभी ना कभी हमारी मुलाकात यहाँ पे भी होगी। तो इसी के साथ मैं पूरी लतिका रॉय फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहती हूँ तहे दिल से, क्योंकि ये मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता है कि मुझे मॉय मॉय मेमोरियल लेक्चर सीरीज में बात करने का न्योता मिला। जब जो ने मुझे कॉल किया तो मैं उनको कह रही थी कि ये शायद मेरे जीवन का हाईलाइट रहेगा, शायद नहीं पक्का मेरे जीवन का हाईलाइट रहेगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आधे घंटे के बाद जब हम लोग वापस मिलेंगे सवाल जवाब के जरिए, तब प्रश्न होंगे, रिफ्लेक्शंस होंगे, थोड़े थॉट्स होंगे और आपके एक्सपीरियंसेस भी सुनूंगी। तो इसी के साथ मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। रूपा ने बहुत ही सुंदर एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि टॉपिक किसके बारे में होगा, तो मैं उससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहती टॉपिक के बारे में या टाइटल के बारे में, पर एक मिनट जरूर लेना चाहूंगी मॉय मॉय को याद करने के लिए और उनके बहुत ही सुंदर जो ग्रेवस्टोन है और उसके पीछे जो छुपी कहानी है उसके बारे में बात करने के लिए। जो जज्बा यहाँ पे इस ग्रेवस्टोन में आपके साथ शेयर किया गया है, मैं चाहती हूँ कि अगले आधे घंटे तो क्या जीवन भर इसी जज्बे को आगे लेकर चले, इसी जज्बे को आप अपने साथ रखिए। और मैं यहाँ पे जो हिंदी में इतने कंफर्टेबल नहीं है उनको ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ये ग्रेवस्टोन, आई एम कीपिंग दिस सो दैट वी कैन होल्ड ऑन टू दिस सेंटिमेंट फॉर द नेक्स्ट half an hour to 45 minutes, not just for this lecture, but right through our life, because this is exactly what I'm going to talk about today. और जब हम joy की बात करते हैं, जब हम एक खूबसूरत जिंदगी की बात करते हैं, कुछ उदासी से, कुछ मायूसी से, with some sadness, I have to say, that sometimes, in fact, often, बहुत से हमारे बच्चों के लिए जिनको डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है, जिनको विकासात्मक तकलीफें हैं, उनके लिए बहुत सारी शर्तें जुड़ जाती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हर चीज में जुड़ जाता है। आप में से मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने कभी ना कभी कुछ पैकेज ऑर्डर किया है और जो उसमें महीन प्रिंट में या फाइन प्रिंट में जो चीजें लिखी है उसको शायद ध्यान से नहीं पढ़ा और बाद में पता चला कि चीज हमारी तो हो गई पर उसमें बहुत सी शर्तें जुड़ी हैं। और कुछ ऐसे ही हमारे इन बच्चों की कहानी होती है शुरुआत से। तो मैं शुरू करती हूँ शौनक की कहानी से। शौनक इन तस्वीरों में लगभग 4 और 6 साल का है और आप देख रहे हैं कि शौनक कितना लीन है सैंड के साथ खेलने में, मिट्टी के साथ खेलने में, एकदम उसमें जैसे खोया हुआ है। और शौनक को इससे लगभग 2 साल पहले ऑटिज्म का डायग्नोसिस दिया गया था। और आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है उन बच्चों में बातचीत करने में देरी, मेलजोल में देरी और उनकी रुचियां जो हैं काफी थोड़ी हम सबसे अलग हो सकती हैं। तो शौनक भी कुछ अलग नहीं था, इन्हीं बच्चों की तरह उसे ऐसी चीजें अच्छी लगती थी और अकेले करनी अच्छी लगती थी जो शायद कुछ अलग था। तो उसका परिवार जब प्रोफेशनल से उन्होंने मिलना चालू किया तो सीखने सिखाने का सिलसिला चालू हुआ, द लर्निंग स्टार्ट। बट द लर्निंग वॉज अबाउट कैसे शौनक को और बच्चों की तरह बात करना सिखाएं, कैसे शौनक को और बच्चों की तरह खेलना सिखाएं, कैसे शौनक को और बच्चों के साथ खेलना सिखाएं, कैसे शौनक को ये सिखाएं कि उनसे गप्पे कैसे मारा जाता है, अपनी बारी के लिए कैसे वेट की जाती है, कैसे खेलों के नियम सीखे जाते हैं। और स्वाभाविक तौर पे अक्सर देखा गया है कि थेरेपी इसी प्रकार से चलती है, मानो जब तक बच्चा ये सब नहीं सीख लेता उसके लिए ये अलाउड नहीं है
उसको ये परमिशन नहीं है कि वो मेरे आपके किसी भी तरह किसी भी लोगों के जैसे मस्ती करे, किसी भी हम जैसे लोगों की तरह दोस्त बना सके। तो उसके मम्मी पापा, यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्हें, अश्विनी और सौरभ, इस सीखने सिखाने के जर्नी या सफर पे तो चल पड़े, पर साथ में उन्होंने नजर पैनी रखी शौनक के दिलचस्पी पे। शौनक को क्या अच्छा लगता है, शौनक को क्या नहीं अच्छा लगता, किन चीजों से उसका मुंह खेल उठता है, इन चीजों से उनका ध्यान कभी नहीं हटा। तो यदि वो उसे बर्थडे पार्टी में ले जाते तो उनको मालूम था कि बर्थडे पार्टी जैसी जगह कई बार बहुत शोरोगुल से भरी रहती और शौनक के लिए ये मुश्किल रहेगा कि उस माहौल में और बच्चों के साथ बात करे और बच्चों के साथ खेले। शौनक को मजा जरूर आता था ऐसी जगहों में जाने का, तो शौनक को परमिशन मिली हुई थी कि वो किनारे में दरवाजे के पास बैठ के बाहर की तरफ एकटक देखता रहे। जैसे वो यहाँ पे सैंड के साथ खेल रहा था, उसको ये भी इजाजत थी कि बर्थडे पार्टी में जैसे उसे एंजॉय करना है वो कर सकता था। शौनक थोड़ा और बड़ा हुआ, 10 साल का हुआ, तो जैसे आप में से बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से 10 साल के बच्चों के माता पिता होंगे और इस चीज से बहुत वाकिफ होंगे कि बच्चों को इस उम्र में बहुत मजा आता है अपनी काबिलियत पे कि वो जोक समझ पाते हैं, उनको ह्यूमर समझ में आता है और लोगों के साथ वो जोक कर भी सकते हैं। किसी ने जोक किया तो उसका मजा उठा सकते हैं, उनको मूवीज में जोक समझ में आते हैं। तो जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है उनको ह्यूमर समझ, उनका ह्यूमर समझने का तरीका, जोक समझने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, या उनको जो चीजें मजेदार लगे वो कुछ अलग हो सकती है। और जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले अश्विनी और सौरभ की कहानी बताई, उन्होंने इस चीज को एक रुकावट नहीं समझा शौनक के मजा लेने में, शौनक को जिंदगी में पूरा जिंदगी का पूरा रस लेने में उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये चीज एक रुकावट है। तो शौनक को लॉकडाउन के दौरान YouTube के वीडियोस बनाने का बहुत शौक हुआ और इसमें उसके मम्मी पापा दादा दादी सब शामिल होते थे। तो यहाँ पे एक सैम्पल है कि शौनक के लिए मस्ती क्या है, शौनक के लिए मजा क्या है, फन क्या है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये इसका ऑडियो सुन सकें। And action. Shonak, is that ice cream very nice? Yes, Anubha, very nice. Can you give it to me? Yes. Oh, close your eyes. Paper ice cream again. Paper ice cream. And cut. So, आपने देखा यहाँ पे कोई नियम नहीं है कि अरे ये कौन सा जोक हुआ। आप 10 साल के बच्चों जैसे चुटकुले क्यों नहीं सीखते हैं, उनके जैसे चुटकुले क्यों नहीं बोलते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। शौनक अपने लिए क्या मस्ती होती है, क्या फन होता है, वो डिसाइड कर सक रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले के साथ और मैं अभी आपको दूसरी कहानी बताना चाहूंगी। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं एक लगभग 4 या 5 साल का लड़का जिसका नाम संकेत है। आज संकेत काफी बड़ा है इससे, ये उसकी उस समय की पिक्चर है जब वो छोटा था। संकेत को मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मांसपेशियां जो है समय के साथ कमजोर हो जाती है, जिससे बच्चों को चलने फिरने में आगे जाके दिक्कत होने लगती है। भले ही वो शुरुआत में चल फिर सक रहे हों, आगे जाके उनको दिक्कत होने लगती है। संकेत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संकेत की जो इंटरवेंशन टीम थी, आप यहाँ पे चित्र में देखेंगे कि उसने स्प्लिंस पहने हुए हैं। ये स्प्लिंस उसको कुछ समय तक मदद कर रहे थे कि उसका जो उसकी जो हड्डियां हैं उनको जगह पे रखने के लिए, क्योंकि मांसपेशियां जो है कमजोर हो रही थी, और उसको कुछ दिनों के लिए चलने में भी मदद कर रहे थे। पर जल्द ही ऐसा समय आया कि संकेत चल नहीं पा रहा। तब उसकी मम्मी उसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी। जाहिर है ये जो सॉल्यूशन था बहुत देर तक तो चल नहीं सकता था, तो बाद में संकेत ने व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना चालू किया। तो यहाँ पे संकेत आज 21 साल का है, 21 साल नहीं शायद 21 साल से भी बड़ा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी उसके जीवन की का एक पहलू है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी उसको डिफाइन नहीं करता है। संकेत आज एमए कर रहा है अप्लाइड क्लिनिकल साइकोलॉजी में,
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, जो कि आप जानते हैं कि बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है. संकेत के जो जीवन के अनुभव थे, उसके जो काउंसलर्स के साथ रिलेशनशिप थे, उसकी जो स्पेशल बॉन्ड थी उसके डॉक्टर के साथ, उसने उसे प्रेरित किया कि वो भी इस लाइन में जाना चाहता है और आगे जाके लोगों की मदद करना चाहता है. और इसी मदद के जज्बे ने संकेत को एक और इम्पॉर्टेंट काम सौंपा. जब यूनिसेफ ये देख रहा था कि यंग लोगों की, यानी कि युवाओं की आवाज वो कैसे सुन सकते हैं, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, उनके क्या होप्स एंड ड्रीम्स हैं, वो क्या चाहते हैं, तब संकेत डिसेबल्ड लोगों की आवाज बनके उस ग्रुप में पहुंचा और उसने अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस, जो उसने सीखा है, जो वो समझता है, जो वो जिसके बारे में स्ट्रांगली फील करता है, वो शेयर किया. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था और संकेत के खुद के शब्दों में ये उसके पिछले साल में इस प्रोजेक्ट के जरिए वो बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों के अनुभव से वो प्रेरित हुआ और आगे जाके भी वो सोचता है कि ये अनुभव उसको आगे जाके बहुत काम आए. संकेत के साथ हमेशा हर पड़ाव पे उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा. जब वो कॉलेज में उसकी एंट्री हुई, जब वो जूनियर कॉलेज पहुंचा, तो ऐसे कॉलेज में पहुंचा जहां पे क्लास तो दूसरे मंजिल में थी पर लिफ्ट या रैंप नहीं था, वो व्हीलचेयर से वहां पहुंच नहीं पा रहा. तब संकेत की जो सपोर्ट टीम है, जिसमें उसकी मम्मी सबसे पहले है, मम्मी और उसकी थेरेपिस्ट, सबने मिलके उसके हक की बात की. और ये उसका परिवार है जो इस पूरे सफर में उसके साथ एक अटूट सपोर्ट का जरिया बना रहा है. तो यहाँ पे आप उसके मम्मी के बारे में सुनेंगे कि उन्होंने कैसे संकेत की जो हक की बात दूसरों तक पहुंचाई और जो उसके हक में था उसे दिलवाया. मेरे बेटे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है. वो जब 5 साल का था तभी मैंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट निकाला था और अभी अभी मैंने उसका यूडीआईटी कार्ड निकाला है. यदि आप भी मेरी तरह पर्सन विद डिसेबिलिटी के माता पिता है तो यूडीआईटी कार्ड जरूर बनवाएं. यूडीआईटी कार्ड आपके बच्चों को उसके अधिकार दिलाने में बहुत मदद करता है. यूडीआईटी कार्ड मैंने अभी अभी बनवाया है, पर उससे पहले जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था उससे संकेत की पढ़ाई में परीक्षा के वक्त उसे राइटर मिला और एक्स्ट्रा टाइम भी मिला और साथ ही साथ कॉलेज में जो लिफ्ट और स्लोप नहीं था वो बनवाने में भी मदद मिली. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे जो हक बच्चों के हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, कई बार ये हक का पेरेंट्स को जानकारी नहीं होती या ये हक को हासिल करने में काफी मुश्किल आ जाती है. यहाँ पे शीतल ने इस पूरे सफर में जैसे हो सका संकेत की मदद की और उसका सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा बनी रही. लेकिन हर जगह जो फिजिकल बैरियर्स थे, यानी कि किसी जगह तक पहुंचने की काबिलियत, हर जगह इन बैरियर्स को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं. अभी भी ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां पे संकेत और उसके दोस्त जाना चाहते हैं, जैसे रेस्टोरेंट है या मूवी थिएटर है, पर वो जा नहीं पाते क्योंकि ये जगह जो है व्हीलचेयर एक्सेसिबल अभी भी नहीं है. तो करने के लिए अभी बहुत है. जो हमारा शामिल होने का, भाग लेने का सफर है अभी शुरू हुआ है और हमें संकेत और उसके जैसे और बच्चों के लिए और भी बहुत कुछ करना है. लेकिन उसके दोस्त क्या कर रहे हैं संकेत के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है. संकेत होटल नहीं जा सकता तो क्या हुआ, उसकी जो दोस्त की टोली है होटल को घर ले आती है. संकेत अक्सर अपने दोस्तों से घर पे मिलता है और घर पे वो खाना ऑर्डर इन करते हैं और होटल जैसा माहौल क्रिएट करते हैं. संकेत को कई बार बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसके दोस्त उसके साथ वो जगह पे नहीं जा पाते जहाँ पे वो सब जाना चाहते हैं, पर कम से कम यहाँ पे ऐसा हुआ कि कोई इस अनुभव से वंचित नहीं रहा कि मिल बैठ के खाना, गप्पे मारना, फोन ऑफ करके पूरी दुनिया के बारे में भूल जाना, बस एक दूसरे के बारे में जानना ये कैसा है. इसके दोस्त बस घर में होटल ही नहीं ले आते, उसके दोस्त उसके हर अनुभव का अटूट हिस्सा है. लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कि संकेत एक उसके गांव में जो एक क्रिकेट टीम है उसके साथ उसकी पिक्चर है.
संकेत से बड़ा क्रिकेट लवर मैंने आज तक नहीं देखा. वो इतना पैशनेट है क्रिकेट के बारे में कि वो जब आईपीएल होता है एक मैच नहीं मिस करता. उसने लगभग मुंबई इंडियंस के सारे टीम मेंबर्स उसको जानते हैं क्योंकि वो इतना रेगुलर है. राइट साइड में आप देखोगे कि उनकी जो सोसाइटी है वहां पे एक खेल महोत्सव आयोजित किया गया था जिसका भाग संकेत बना. और एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो मैं दिखाना चाहूंगी संकेत और उसके दोस्त का. वो देख के आप मुझे बताना क्या आप नहीं चाहते ऐसा एक अटूट बंधन आपके जिंदगी में. ये देख के मुझे अपने सारे दोस्तों की याद आती. गाला गाला भाई भाई वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि भाई है. गाला गाला भाई भाई बोलता हूँ सर नेम सर सेम एकदम फैमिली जैसा बॉन्ड है. बॉन्ड लाइक ब्रदर्स. बोथ ऑफ आवर मदर टंग इज कच्ची. कोई हो या ना हो ही विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी. और ये दोनों का काफी लंबा वीडियो है जो हमने लास्ट ईयर इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के दौरान शोकेस किया था. तो यदि कोई इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल पे आप इसको कैच कर सकते हैं. गाला गाला भाई. तो अब सवाल ये उठता है कि जो भी मैंने आपके साथ अभी शेयर किया शायद ये पहली बार नहीं होगा कि आप ऐसे प्रेरणा भरी कहानियां सुन रहे. शायद ये पहली बार नहीं होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साहस के बारे में सुन रहे हैं जिसको डिसेबिलिटी है. तो यहाँ पे नया क्या है, हम किस बारे में एक्साइटेड है, ये जो लेक्चर है किस बारे में है. और इसके बारे में और रोशनी डालने से पहले मैं ये कोशिश करूंगी कि ये जो हमारे सफर में जो हमारे साथी निकल पड़े हैं पहले मैं उनकी बात करूं. तो मैंने शुरुआत में जिक्र किया उम्मीद का. ये है हमारी उम्मीद की टीम. सबको तो फोटो में नहीं ला पाए, कुछ झलकियां हैं यहाँ पे. तो हमारे टीम में 120 स्टाफ मेंबर हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं. और हमारा जो मेन काम का एरिया है कि हम जिन बच्चों को डिसेबिलिटीज है और उनके परिवार हैं उनके साथ डायरेक्टली काम करते हैं. जो लोग इन बच्चों से जुड़े हैं जैसे टीचर्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट्स, इवन पेरेंट्स, सबके लिए ट्रेनिंग सर्विसेज अवेलेबल है जो हमारे संदर्भ में जिस तरीके का रिसर्च काम आ सकता है वैसा रिसर्च करते हैं. और साथ में सबसे जरूरी कि जो बच्चों के हक हैं उन तक उसकी जानकारी पहुंचाना और बच्चों की आवाज ऐसे लोगों तक पहुंचाना जो पॉलिसी और लॉ डिसाइड करते हैं. ये हमारा मेन काम है. और इस सफर पे हमारे साथ कई साथी जुड़े हुए हैं और सबसे मेन नाम इसमें LRF का है. और ये सफर क्या है अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी. अगर आप LRF में जाएंगे तो उनका एक बहुत सुंदर सा पोस्टर देखेंगे जिसको हम F वर्ड्स बोलते हैं. यहाँ पे जो F वर्ड्स है जो आप लोग उसके इंग्लिश के रूप से वाकिफ है सोचते होंगे अरे F वर्ड्स की बात यहाँ पे लेक्चर में किस वजह से हो रही है, पर ये अलग F वर्ड्स. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों के फंक्शन की कि हर रोज में वो क्या करना चाहते हैं और ये उनके फ्यूचर यानी कि जो छठा F वर्ड है उससे कैसे जुड़ा हुआ है. जो हर रोज वो करते हैं सीखते हैं क्या उसका कोई रिलेशन है उनके फ्यूचर से में जो उनकी ख्वाहिशें हैं उससे. फिटनेस के लिए वो क्या करते हैं, उनके दोस्त कौन है, दोस्तों के साथ क्या करना पसंद करते हैं. जब परिवार के साथ जुड़ते हैं तो पूरा परिवार क्या करना पसंद करता है, मस्ती के लिए क्या करते हैं. शायद ही ऐसी कोई सेशन होती होगी जहां पे हम इन एफ वर्ड्स का जिक्र करते हैं क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में इस तरीके की जो सोच है उसके बारे में ज्यादा जोर नहीं दिया जाता. हमारी ट्रेनिंग जो है जो प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग होती है वो इस पे जोर देती है कि कैसे बच्चों को हर चीज नॉर्मली कराई जाए. और उम्मीद ये होती है कि अगर बच्चे नॉर्मली चीजें करेंगे तो अपने आप ये एफ वर्ड्स पूरे हो जाएंगे. पर कई बार इस चक्कर में इस इंतजार में पूरी जिंदगी निकल जाती है. बच्चे इतने साल गुजार देते हैं सीखने में और वो सिलसिला कभी खत्म नहीं होता क्योंकि हमेशा लगता है दिल्ली दूर है. कि कई बार ऐसा लगता है कि जब बच्चे बड़े हो गए अरे उनके दोस्त कौन थे, अरे उनकी इंटरेस्ट क्या है, हॉबी क्या है, उनको क्या अच्छा लगता है, किसी को जानकारी नहीं होती. क्योंकि हम सब इतने लीन होते हैं ये जानने में कि उनमें खामियां क्या है और सुधारना क्या है. तो ऐसे कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने इस सोच को बदलने की कोशिश की है
और इसको चैलेंज किया है। तो यहाँ पे तस्वीर में आप देख रहे हैं छोटे से विग्नेश को। विग्नेश को सेरेब्रल पॉल्सी है। विग्नेश अपने आप से बैठ नहीं सकता, अपने आप से खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन तो क्या हुआ अगर बैठ नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता? उसको गाड़ी में घूमने का शौक है, उसको मुंबई की हवा खाने का शौक है और चौपाटी बीच जाने का शौक है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि मैं इसका क्यों इंतजार करूं कि वो बैठना सीखे, चलना सीखे, ये तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। तो उन्होंने थेरेपिस्ट से बात की, ये सीखा कि ऐसे सीट कैसे बनाई जाए जिससे विग्नेश एकदम सीधे बैठ सकता है, उसकी हड्डियों पे असर नहीं पड़ेगा। और उसे बेखौफ वो ले जाके हर जगह घूमने ले जाती हैं और अब विग्नेश उन्हीं चीजों का मजा ले सकता है जो उसे बहुत पसंद है। तो क्या हुआ अगर मैं बात नहीं कर सकता? कौन कहता है कि मैं अपने भाई के साथ गेम नहीं खेल सकता? ये जो जज्बा है जय की मम्मी ने पूरा किया। जय की मम्मी ने उसे एक ऐप दिलवाया, और दिलवाया ही नहीं, उसको ट्रेनिंग दी कि ऐप के जरिए वो बात कर सकता है। और जय को आप देखोगे इस वीडियो में अपने भाई के साथ एक गेम खेलते हुए जिसमें उसे गेस करना है कि दूसरी तरफ कौन है। Does? He. Does he? Wear specs. Jay? He wears specs. He wears specs, Jay. So? Who all will you close? Okay, good. Good. Okay, then very good. Very. Jai. And see. वैसे ही कौन कहता है कि मैं अगर रूल्स नहीं जानता तो बच्चों के साथ खेल नहीं सकता? जय को आपने थोड़ी देर पहले वो ऐप का इस्तेमाल करते हुए देखा, अभी देखिए जय और उसका भाई है इस पिक्चर में। तो जय की मम्मी को ये पता था कि जब भीड़ भाड़ वाली जगह पे उसे खेलने भेजती हैं तो जय के लिए ये मुश्किल है, क्योंकि जय को भी ऑटिज्म है। और जब जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह है, लाउड नॉइज है, जय से वो बर्दाश्त नहीं होता। तो उन्होंने अपने घर के आगे एक कॉरिडोर की जगह चुनी और साथ में उसके खेल के लिए ऐसे बच्चे चुने जो बचपन से उसे जानते हैं। और इन बच्चों के साथ और उसके भाई के साथ उन्होंने मिलकर सोचा कि ऐसा कौन सा गेम है जो जय खेल पाता है, जो जय को खेलने में अच्छा लगता है। और फिर उन्होंने रूल्स को थोड़ा बदला ताकि जो मेन मकसद है खेलने का वो जीतना नहीं है यहाँ पे, या रूल फॉलो करना नहीं है, मेन मकसद है इस खेल का कि हम मजा कैसे लूट सकते हैं। ये है जय के एफ वर्ड्स। जय को किस चीज में मजा आता है? बाहर घूमने में, स्विमिंग करने में। ये चीज उसके फिटनेस में भी काम आता है। जय एक टॉप लेवल का स्केटर है। ये है जय का परिवार। जय के बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो उसके कजिन्स हैं। और जय, जैसे मैंने कहा कि जय के और भी बहुत सारे इंटरेस्ट है, खासतौर पे पेंटिंग, जो यहाँ पे है नहीं, पर उसका खुद का एक इंस्टाग्राम पेज है जिसका नाम है सनशाइन जय। तो यदि आप इंस्टाग्राम में हैं तो जरूर चेक कीजिए, अमेजिंग आर्टिस्ट है वो। और ऐसा नहीं है कि हम एफ वर्ड्स की जानकारी बस पेरेंट्स से ले सकते हैं। यहाँ पे जय ने लिखा है कि उसे क्या पसंद है। उसके लिए फन मतलब गोवा जाना है। शायद हम सब के लिए भी फन वही है, गोवा जाना। और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कब हम ट्रैवल करना वापस चालू कर सकते हैं। अगर आप लिख नहीं सकते कोई बात नहीं, ड्राइंग से भी बता सकते हैं कि आपके लिए एफ वर्ड्स के क्या मायने हैं, कि आपके लिए दोस्ती कैसे दिखती है, फन कैसा दिखता है, फैमिली कैसा दिखता है, और आपके लिए फ्यूचर में आप क्या देखते हैं। इनफैक्ट इस पूरे रास्ते का या ये जो तरीके का मेन USP ही यही है कि हम परिवार को और बच्चों को, दोनों को इस कॉन्वर्सेशन में शामिल कर सकते हैं कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ पे एक गोल शीट है जहाँ पे हम ये पूछने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्यों से हमारे लिए मालूम होगा कि इसके पीछे उनका क्या जज्बा छुपा हुआ है, ये क्यों जरूरी है उनके लिए,
और फिर रास्ते कई बार खुद ब खुद खुल जाते हैं। तो इस पथ का मेन फीचर ये है कि हम इस पे फोकस करते हैं कि बच्चे क्या कर सकते हैं, इस पे नहीं कि वो क्या नहीं कर सकते। साथ ही हमारा फोकस इस पे रहता है कि हाँ बच्चे तो सीखते रहेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हैं, तो बच्चों के सीखने पे कोई रोक नहीं है। पर सारा दारोमदार, सारी जिम्मेदारी अगर हम बच्चों पे डाल दें कि अगर आप ये सीखेंगे, शर्त हमेशा ये रखें कि आप सीखेंगे, आप इम्प्रूव होंगे, आप नॉर्मल होंगे, तो ये कर पाएंगे, तो जैसे मैंने कहा हमेशा लगेगा कि दिल्ली दूर है। तो इसीलिए जो फोकस रहता है वो एनवायरमेंट पे रहता है कि एनवायरमेंटल बैरियर्स हम कैसे दूर कर सकते हैं, यानी वातावरण से जुड़ी हुई रुकावटें हम कैसे हटा सकते हैं, जैसे कुछ हमने आज डिस्कस की थी, ताकि बच्चे वो कर सके जो वो करना चाहते। और ये एक कहावत है जिसमें हम ये बोलते हैं कि अगर आपने एक मुरझाया हुआ फूल देखा तो आप ये नहीं सोचते कि फूल में क्या कमी रह गई। खाद देखते हैं कि खाद तो पूरा नहीं पड़ा, पानी पूरा उसको जा रहा है कि नहीं, मिट्टी बदलने की जरूरत है क्या, यानी कि वातावरण को देखते हैं। तो हमारे बच्चों के साथ भी क्यों ना हम ये सेंटिमेंट अपनाएं। और उसी के साथ मैं वापस इंद्रधनुष की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ कि समावेश सही मायने में तब होगा जब साथ चीजें करना, मिल के चीजें करना, शामिल होना बेशर्त हो। नाम के लिए अगर आपने बोल दिया कि हमारे साथ वो लोग जुड़ सकते हैं जिनको विकलांगता है या जिनको तकलीफ है, पर अगर आप नहीं बदलना चाहते तो ये समावेश नहीं होता है। और आखिरी में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। रूपा ने कहा लास्ट ईयर के सिबलिंग प्रोग्राम के बारे में, जिसमें दर्शना भी शामिल थी, और ये जो जज्बा है मैं दर्शना से बेहतर तो बिल्कुल नहीं बता पाऊंगी। हाल ही में हमने ये वीडियो बनाया था और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है, तो मैं चाहूंगी कि मैं जो मेरा सेशन है इस वीडियो से। Thank you so much. Dr. Roopa, thank you so much. मतलब इतना मजा आ गया, हम लोग तो झूम रहे थे। और काश के, जैसे जो ने कहा कि काश आप देख सकते हम सबके चेहरे, कि हम सब कितने engrossed थे और कितनी smiles हैं हर एक के face पर, कि ये एक lecture है जिसमें हमें आपने practical उदाहरणों से बताया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरह का इंद्रधनुष है। हमें एक नई सोच, नया दृष्टिकोण शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और हमारे पास इतने सारे सवाल हैं मगर हम रुकेंगे अब। इट इज माय प्लेजर टू इनवाइट जो चोपड़ा, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ लतिका रॉय मेमोरियल फाउंडेशन, टू प्लीज कम एंड एड्रेस आवर ऑडियंस। जो प्लीज। Hi, everybody. Oh, Roopa, that was so beautiful. The whole thing, the look, the background, the every slide, every story, and really, I just kept thinking, if only we were all together and you could see our faces. It was just such a wonderful experience to watch this. Thank you so much. I can't think of a better way to celebrate Moy Moy than to have a talk like this one that just brought everything together. And I want to share one story about Moy Moy that
some of you have already heard, when Moy Moy was 5 years old, and Moy Moy had cerebral palsy, she wasn't able to walk the way typical children do, but she still walked, and she walked pretty well. She had a limp, and she kind of, you know, just sort of pulled her leg along each step that she took, and many people kept telling me she should have braces or AFOs or something. So finally, Ravi and I decided that we would take her to Jaipur, and we met Dr. P.K. Sethi, who is the famous foot doctor of Jaipur. And we happened to know his son, so we got a special appointment, and I took Moy Moy into his big office, and he chatted with us for a while. And then he asked me to have Moy Moy walk across the room, and she walked right to him. She was very friendly. And she went up, and she was standing there with her hand on his knee and chatting, and the way that Moy Moy could chat. And he just had this look on his face of such affection and such respect and admiration. And he said to me, look at this child. Look at how well she walks. You know, she's had brain damage. You told me about her difficult delivery. You told me about the problems that she's had. And yet, look how her brain has compensated for her inability to walk like a typical kid. I don't want to mess with this. She's doing so beautifully. She's doing so well. And I don't want to confuse her brain when it has made this adjustment and compensated for the brain damage that she had at birth. I just think we have to admire her and let's see what she does next. And that was such a beautiful lesson for me as her mother. And when I came back and told Ravi about it for him as her father, that we just had this child who was going to do things her own way. She was going to communicate the way she communicated. She was going to walk the way she walked. She was going to make friends the way she did it. And she was going to inspire the world. And she did. And I think that lesson in participation was the one that started me off on this road. Before the foundation even existed, and has motivated me and inspired me all along. And when we learned about this participation approach, it was something quite new for us. Even though we believed in it, we didn't have the structure and the kind of details that Roopa has just described so that we could make that happen for lots of kids. And Roopa has been our guide and our mentor for over a year now in this particularly. And I have said this in many forums, but I can't say how grateful we are to her for the inspiration and the creativity and the guidance that she's given us at the Lethic Roy Foundation. And I really think this message needs to go much further. I'm so happy with how beautiful this video must be, because we're going to share it widely. You just look so beautiful, Vibha. I saw Vibha's name just come up. Roopa, with that backdrop and your beautiful sari and the gorgeous way that you spoke with your smiles, and it was just absolutely marvelous. And now I think we can turn it over, Roopa Bishnoi, to the questions that have been piling in, and let's see what else you can tell us, Roopa. Thank you so much. It was perfect. थैंक यू जो हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका हम प्राइवेटली अलग से आपको जवाब भेजेंगे जिसका आज के सेशन से कनेक्शन नहीं है आप जानते हैं मैं जिनसे बात कर रही हूँ तो हम आपके सवाल का जवाब आपको अलग से लिख के भेजेंगे कृपया हमारे उत्तर का इंतजार कीजिएगा थैंक यू जो आज के सेशन से जुड़े सवाल हैं अब मैं वो आपके सामने रखती हूँ डॉक्टर रूपा एंड क्षमा करें मगर इतने सारे हैं कि मैं जरा थोड़ा सा पढ़ सकती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है एक है यदि मेरा बच्चा किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व या पार्टिसिपेट नहीं होना चाहता है तो क्या करें पार्टिसिपेशन में क्या स्वेच्छा होना आवश्यक है Is it important that the child should want to participate? What should I do if my child does not wish to be involved?
So firstly, thank you for that question. It's like pehle ball pe chhakka. Amazing question. Thank you for the question. And Joe, I think the pleasure and privilege is all mine to have had the opportunity to interact with you and the team. I think this year has been by far, you know, one of those years where I've, you know, grabbed the opportunity to talk to you all every single time. So absolutely, the pleasure and privilege has been mine. So aap jaate hain wapas sawal pe. तो हाँ, पार्टिसिपेशन में एंजॉयमेंट होना जरूरी है या एंगेजमेंट होना इम्पॉर्टेंट है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. तो यदि हम ये जानना चाहते हैं कि पार्टिसिपेशन कैसे दिखता है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजिंग होता है, पेरेंट्स के लिए भी नहीं, प्रोफेशनल्स के लिए भी कंफ्यूजिंग होता है. तो पार्टिसिपेशन में तीन एलिमेंट्स होते हैं. एक, कि बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, कौन से सिचुएशन में कर रहा है, और क्या उसे अगर मजा नहीं आ रहा लेकिन क्या उसमें वो अटेंटिव है, ध्यान दे पा रहा है, उसमें इन्वॉल्व्ड है क्या. क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमें शायद मजा नहीं आता, मतलब हर रोज उठ के तैयार होना या रोजमर्रा के काम करना, पर अगर हम उसमें इन्वॉल्व्ड हैं, बेमन से नहीं कर रहे, दैट इज स्टिल पार्ट ऑफ पार्टिसिपेशन. सो यदि आपका बच्चा आपको क्लियरली ये बता रहा है कि उसे नहीं पसंद है कोई चीज, तो शायद हमें एग्जामिन करना पड़ेगा कि एक्टिविटी उसे पसंद क्यों नहीं है. क्या हमें कॉन्टेक्स्ट बदलने की जरूरत है या वो एक्टिविटी दूसरे ढंग से पेश करने की जरूरत. थैंक यू. पार्टिसिपेशन करते समय ये हमारे एक लतिका विहार के अध्यापिका ने पूछा है कि जब बच्चा, हम कहते हैं पार्टिसिपेट कर रहा है स्पोर्ट्स में, तो पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है. वो बच्चा अगर एक तरफ खड़ा रहे और बाकी बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, वो उन्हें देख रहा है, क्या वो पार्टिसिपेशन है, या अगर कोई दूसरा टिपिकल बच्चा उसके पास आए और उसे बॉल दे और उसे किक कराए, वो पार्टिसिपेशन है, या अगर वो बच्चे को हम हाथ पकड़ के कहें नहीं अब तुम बॉल मारो, वो पार्टिसिपेशन है. तो डॉक्टर रूपा, इनमें से क्या पार्टिसिपेशन माना जाएगा? वंस अगेन अमेजिंग क्वेश्चन. और मुझे लगता है कि जब मैं लतिका विहार की टीम से मिलूंगी, आप मुझे बताएंगे कि पार्टिसिपेशन क्या है. मैं बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि कब मैं आपसे आके मिलूं, मैंने इतनी कहानियां सुनी है. तो अभी आते इस बच्चे पे. तो वंस अगेन हमारा जो टारगेट है, जो हमें याद रखना है, वो ये है कि बच्चा क्या चाहता है. अगर बच्चा ये चाहता है कि फुटबॉल वो साइड से देखे, तो वो उसके लिए पार्टिसिपेशन. लेकिन अगर वो चाहता है कि वो फुटबॉल का हिस्सा बने और हम वो पॉसिबल नहीं करा पा रहे हैं, तो हमें एग्जामिन करना पड़ेगा कि एनवायरमेंट में हम क्या बदल सकते हैं. अगर वो संकेत जैसा बच्चा है जो व्हील चेयर में होने के साथ साथ फुटबॉल खेलना चाहता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्रिएटिवली हम उसे कैसे उसके लिए पॉसिबल कर सकते हैं कि वो फुटबॉल खेल सके. तो यहाँ पे बच्चे की इच्छा पे निर्भर करता है. अगर वो किक करना चाहता है और बच्चे उसकी मदद करते हैं, तो वो पार्टिसिपेशन है. लेकिन अगर वो खड़े रह के देखना चाहता है, तो हमें उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए. तो मतलब बच्चे को अपनी इच्छा अनुसार धीरे धीरे पार्टिसिपेट करने दें. शुरू में शायद बच्चा देख रहा हो, और उसके बाद हो सकता है कुछ समय के बाद बच्चा खुद ही ज्वाइन करने लगे. आप वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती ना करें. बिल्कुल, जबरदस्ती ना करें. और जब बच्चा एक्सप्रेस करे इच्छा कि उसे उसको खेलना है, तो ये देखें कि हम उसकी डिफिकल्टीज के बावजूद इसे मुमकिन कैसे करा सकते हैं. थैंक यू. अगला सवाल है, हम माता पिता अपने बच्चों की रोज की जरूरतों को पूरा करने में और देखभाल करने में इतने मसरूफ और व्यस्त हो जाते हैं कि हम उनके फ्यूचर और भविष्य के बारे में ध्यान कैसे दें, हम कैसे तैयारी करें उनके फ्यूचर के. वी आर सो ऑक्यूपाइड बाय टेकिंग केयर ऑफ देयर डेली नीड्स. और हर पेरेंट के साथ शायद यही उनके लाइफ में यही सच्चाई है. इवन उन बच्चों के साथ जिनको डिफिकल्टीज नहीं है, हम हर वक्त तो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते.
most of the times we are caught up in the here and now, as we should be. क्योंकि हम हमेशा अगर future के बारे में सोचेंगे तो आज को celebrate नहीं कर पाएंगे, आज को enjoy नहीं कर पाएंगे. तो अगर ये family जो है लतिका रॉय से जुड़ी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब वो आपके पास आएंगे तो आप जरूर उनके साथ F words का conversation करेंगे और future की जरूर चर्चा होगी. और future does not have to be 20 years from now. Future can be what do I want to do over the weekend. मैं परिवार के साथ क्या करना चाहती हूँ या अगले एक महीने में मैं क्या करना चाहती हूँ. जब समर का वेकेशन आए तब हम परिवार के साथ क्या करना चाहेंगे, ये भी फ्यूचर का हिस्सा है. तो जरूरी नहीं है कि इट हैज टू बी यू नो वेरी फार एंड डिस्टेंट इन टू द फ्यूचर 10 इयर्स फ्रॉम नाउ और 20 इयर्स फ्रॉम नाउ. तो मैं जरा अंग्रेजी से हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रही हूँ. कुछ क्वेश्चंस मुझे यहाँ आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस इधर. तो मैं यही चीज हिंदी में बोलती हूँ, तब तक आप अगला क्वेश्चन. तो मैं ये कह रही थी कि ये जो आपने बताया डिफिकल्टी, ये बस आपके लिए सही लागू नहीं होती, हर किसी के जीवन में ये डिफिकल्टी होती है कि जब आपके बच्चे को कोई विकासात्मक तकलीफ ना भी हो तो शायद आपको तो भी आप रोजमर्रा के जीवन में काफी मशरूफ रहते होंगे. और ये गलत बात नहीं है कई बार टू बी प्रेजेंट हियर एंड नाउ, मतलब आज के बारे में सोचना, आज में कंप्लीटली अपना ध्यान लगाना बुरी बात नहीं है. इनफैक्ट ऐसा करने से आप अपने बच्चे के जीवन को फुली एंजॉय कर पा रहे हो, अपने बच्चे के बचपन को एंजॉय कर पा रहे हो. और फ्यूचर जरूरी नहीं है कि 20 साल के बाद क्या होगा वो सोचना फ्यूचर है. अगर आप अगले महीने, अगले हफ्ते समर वेकेशन में क्या करना चाहते हो इस बारे में भी सोचो, ये भी फ्यूचर से जुड़ा है. और अगर आप लतिका रॉय से जुड़े हुए हैं तो अगला विजिट जब आप करेंगे लतिका विहार में, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बारे में चर्चा आपकी होगी उनके टीम से. अगला एक सवाल है, मैंने कहा सवाल की बहुत लंबी कतार है तो धीरे धीरे चलेंगे. डॉक्टर रूपा के लिए एक ये सवाल है कि कुछ लोगों को ये बहुत मानना मुश्किल होता है कि बच्चे किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी चीज में. सम पीपल फाइंड इट हार्ड टू एक्सेप्ट दैट चिल्ड्रन कैन कंट्रीब्यूट एंड पार्टिसिपेट फुल्ली इन सो मेनी थिंग्स, स्पेशली यंग चिल्ड्रन. तो अगर कोई बच्चा है और ऊपर से उसके ऊपर डिसेबिलिटी भी है तो उसको तो डबल डिसएडवांटेज है, तो हाउ कैन यू ओवरकम दिस? हम माँ बाप की सोच कैसे बदलें कि देयर आर चिल्ड्रन हु आर स्ट्रगलिंग, दे आर चिल्ड्रन हु वांट टू कंट्रीब्यूट एंड देयर आल्सो चिल्ड्रन हु आर डिसेबल्ड, हाउ कैन वी गो अराउंड दिस? सो आप क्या इसमें सजेशन देते हैं? मतलब ये कैसे जाने के बच्चों की राय क्या है, बच्चे क्या करना चाहते हैं या कैसे भाग लेना चाहते हैं? उन माता पिता के साथ हम किस तरह की सलाह दें जो बच्चों को शामिल नहीं करते हैं, पहली बात क्योंकि वो बच्चे हैं और दूसरी बात इसलिए क्योंकि तो डिसेबल्ड हैं. तो जिस तरीके से हम बच्चे की इच्छा जानना हमारे लिए जरूरी है या बच्चों के साथ ये देखना जरूरी है कि वो क्या कर सकते हैं, इस पे फोकस नहीं करें कि वो क्या नहीं कर सकते. पेरेंट्स के साथ भी हमारा, अगर प्रोफेशनल्स ये सवाल का जवाब सुन रहे हैं, पेरेंट्स के साथ भी हमारा यही रिलेशनशिप होना चाहिए. मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है बच्चों के कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करते होंगे, कहीं ना कहीं उनकी राय सुनते होंगे, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज क्यों ना हो. शुरुआत वहां से करें. अगर आपने वो नोटिस किया है कि पेरेंट्स कब बच्चों को अपनी राय देने में हेल्प करते हैं तो उस चीज को उनके ध्यान में लाइए, उस चीज के बारे में चर्चा कीजिए. जब आप उनकी खूबियां या स्ट्रेंथ्स हाईलाइट करेंगे, पेरेंट्स भी आपके और मेरे जैसे हैं, हमें से हर कोई अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद करता है, ये जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता है कि हम अच्छा क्या कर रहे हैं. तो पेरेंट्स को भी ये विश्वास दिलाइए कि वो कुछ चीजें बहुत अच्छी कर रहे हैं, वहां से शुरुआत कीजिए. अगर हम शुरू में ही ये बताएंगे कि वो क्या नहीं कर पा रहे तो वो रिलेशनशिप भी आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा. तो मेरी सलाह ये रहेगी कि वॉच मोमेंट्स, लुक आउट फॉर मोमेंट्स जहां पे वो बच्चों के कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं, उनको साथ लेके चल रहे हैं. डॉक्टर इसी से मिलता जुलता एक सवाल जिसमें वो कह रहे हैं कि थैंक यू डॉक्टर रूपा, आपका सेशन बहुत ही बढ़िया था. एंड ये टीचर है, इन्होंने कहा कि मैंने कई तरह के बच्चों के साथ काम करा है और पेरेंट्स जो अपने बच्चे की फिजिकल डिसेबिलिटी होती है उसे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं,
मगर जो डिसेबिलिटीज हैं जैसे डिसलेक्सिया डिसग्राफिया अटेंशन डिफिकल्टीज और उन सबको पेरेंट्स बहुत रिलक्टेंटली एक्सेप्ट करते हैं एंड इन पेरेंट्स की कैसे मदद की जाए ताकि वो अपने बच्चे की स्ट्रेंथ्स एंड शॉर्टकमिंग्स को एक्सेप्ट करें तो आपने अभी बताया कि हम पहले उनकी स्ट्रेंथ्स को प्रेज करें मगर इन एडिशन टू दैट आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे मैं उनको आश्वासन देना चाहती हूँ कि पेरेंट्स से बेहतर और कोई नहीं जानता होगा कि बच्चों को किन चीजों में तकलीफ है जब वो उन तकलीफों की उनको नकारने की कोशिश कर रहे हैं या आपको लगता है कि नकार रहे हैं या मान नहीं रहे हैं अंदर से वो शायद ये होप कर रहे हैं कि कोई ना कोई उनको आश्वासन दे कोई ना कोई उनको होप का मैसेज दे कोई ना कोई उनको पॉजिटिव चीज बताए और कई बार ये इस जगह पे पहुंचना जहाँ पे आप अपने बच्चे की डिफिकल्टी के बारे में बात कर रहे हैं डरावना भी होता है मतलब आपकी खुद की एंजाइटी होती है कि अगर मैंने माना तो पता नहीं ये सामने वाले ये क्या कहेंगे कि इनको क्या है कौन मानना चाहता है कि हमें किसी चीज में तकलीफ है राइट तो जिस तरीके से हमने पेरेंट्स की अभी थोड़ी देर पहले बात की मुझे लगता है कि पहले उनके साथ रिश्ता बनाना रैपो बिल्ड करना ये बहुत जरूरी है साथ में ये बताना कि वो बच्चा अच्छा क्या करता है हर किसी में खूबी है चाहे किसी को कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो हर किसी में खूबी है तो खूबियों से शुरुआत करें रिलेशनशिप बनाएं पहले आप खुद ब खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि पेरेंट्स को कितने इनसाइट्स हैं ऑलरेडी वो कितना जानते हैं बच्चों के बारे में वो खुद आपको बताएंगे कि कौन सी चीज में मदद की जरूरत है There's a little bit more in that question. I think you missed out the part where she says that we see parents are reluctant to allow the child to have help and that they say, if we make it too easy for the child, she'll stop trying. So how can we work with parents in that situation? Right, right. बहुत important सवाल है और thank you, Joe, for bringing that up. तो मैं हमेशा हम हमेशा जब इसकी बात करते हैं जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी को अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है मानने में कोई तकलीफ नहीं यहाँ पे हम तीनों जो स्क्रीन पे हैं हम तीनों ने चश्मा पहना हुआ है अगर कोई हमसे कहे कि अरे आप बिना चश्मे के देख के तो देखो ट्राई तो करो ट्राई नहीं करोगे तो कितना लेजी हो जाओगे आपकी आंख जो है लेजी हो जाएगी ऐसा कोई कभी कहता है क्या कितना इलॉजिकल लगता है बिल्कुल ठीक इसी तरीके से पढ़ाई में मदद या ध्यान देने के लिए जो एडिशनल हेल्प है हम जो देते हैं कि किसी तरीके से और कई बार जब हम ये एग्जाम्पल देते हैं या ये एनालॉजी देते हैं चश्मे का या फिर व्हील चेयर का तो पेरेंट्स को हाँ एहसास होता है पर कई बार हमने बैरियर्स की बात की टॉक में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है स्टिग्मा मतलब अगर मैंने ये सर्टिफिकेट बना लिया अगर मैंने स्कूल में बता दिया कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो लोग क्या कहेंगे मेरे घर वाले क्या कहेंगे और बच्चों को पता चल जाएगा वो बच्चे कैसे मेरे बच्चे को ट्रीट करेंगे टीचर कैसे ट्रीट करेगी टीचर स्पेशल ट्रीटमेंट देगी और बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करेगी तो मेरे ख्याल से इस बारे में और डिटेल में चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जब तक हमने पेरेंट्स के साथ एड्रेस नहीं किया आप मामले की तह तक पहुंच नहीं पाए तो एक मैं ऐसा एग्जाम्पल देके तो आगे बढ़ जाऊंगी अगर मैंने उनके अंदर की चिंता नहीं एड्रेस की तो शायद वो फिर किसी और डॉक्टर के पास किसी और थेरेपिस्ट के पास सेम सवाल लेकर जाए थैंक यू एक प्रश्न क्योंकि मैं तीन जगह से इसको देख रही हूँ इज अ टेरिबल रिलेशनशिप विद फूड ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ऑटिज्म क्या अगर बच्चे का खाने का खाने के साथ सही रिलेशनशिप नहीं है क्या वो भी एक तरह का ऑटिज्म माना जाता है इनका बच्चा शायद खाने के समय को एक ट्रॉमेटिक इवेंट मानता है नहीं डेफिनेटली बस खाने के साथ जो रिलेशनशिप है उससे हम ऑटिज्म नहीं डिसाइड कर सकते पर बच्चे का जो खाने के साथ रिलेशनशिप है वो हमें मील टाइम्स के बारे में काफी कुछ बताता है कि अगर बच्चा खाने के टाइम को हेट करता है तो खाने से उसकी दोस्ती नहीं हो पाई है या खाने की जो एक्टिविटी है उससे दोस्ती नहीं हो पाई है
तो हम जिस तरीके से रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग की बात करते हैं कि जब आप बच्चा आपको क्यूज दे रहा है कि उसको किस चीज में दिलचस्पी है, वो नोटिस करे, उसके बारे में बात करे, ठीक उसी तरीके से हम फीडिंग की भी बात करते हैं कि जब बच्चा खाने के लिए बैठे, सबसे पहले अगर जोर जबरदस्ती करनी पड़े तो वो मील टाइम किसी के लिए एंजॉयबल नहीं होता है। तो बच्चे के क्यूज को पहचाने, उसे कब भूख लगती है, उसे क्या चीजें खाने में पसंद है। कई बार बच्चे इसीलिए भी रेजिस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें खुद खाना होता है और पेरेंट्स को लगता है अगर खुद खाएंगे तो काफी नहीं खाएंगे, तो हम उनको खिला देंगे तो वो उनका वजन बना रहेगा और इनफ खा पाएंगे। तो ये जो पावर स्ट्रगल कई बार रहता है बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, ये मील टाइम्स को काफी अनप्लेजेंट बना देता है। और यदि आपको इस बारे में और जानकारी, मतलब मील टाइम्स के बारे में हम एक पूरा वर्कशॉप कर सकते हैं जहाँ पे हम रिस्पॉन्सिव फीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर सकते हैं, सेंसरी इश्यूज के बारे में बात कर सकते हैं जो फीडिंग को डिफिकल्ट बनाते हैं, किस तरीके का खाना पौष्टिक है वगैरह। और यदि आपको इस बारे में और जानकारी की जरूरत है, मेरे ख्याल से लतिका रॉय में भी ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं। और साथ में हम उम्मीद में भी बीच बीच में ऐसा वर्कशॉप करते हैं मील टाइम्स के लिए, तो हम उसकी जानकारी आपको दे सकते हैं। थैंक यू। अगला सवाल है, डिसेबल बच्चों को सोसाइटी से कोऑपरेशन नहीं मिलती है, पेरेंट्स ट्राई करते हैं लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में सोसाइटी की कोऑपरेशन बहुत जरूरी होती है, सोसाइटी की हेल्प के लिए कैसे पेरेंट्स आगे बढ़ें, प्लीज मैम बताइए। यहाँ पे मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ पार्टिसिपेंट्स में जो मुझसे भी ज्यादा अनुभवी हैं, जो आप, मैं ये भी देख रही हूँ डॉक्टर अजय शर्मा है, तो मैं क्विकली रिस्पॉन्ड करती हूँ और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी शेयर करें। तो ऐसे जो बदलाव है रातों रात नहीं होती, समय लगता है। जो मैंने आज आपको 3-4 स्टोरीज बताई, इन स्टोरीज में भी कम्युनिटी का, सोसाइटी का जो कोऑपरेशन है या सपोर्ट है वो लेने में धीरे धीरे छोटी छोटी कोशिशों से ये बात बनी। तो पूरे सोसाइटी को बदलने से पहले मुझे लगता है कि एक छोटा सपोर्ट सिस्टम बच्चे के लिए तैयार करना जरूरी है, जिसमें परिवार वाले, नेबर्स, फ्रेंड्स और जो इम्पोर्टेंट कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो शामिल होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स हमने बताए कि जैसे कैसे पेरेंट्स ने पहल की अपने बच्चे की जरूरतों के बारे में बात करके, कि बेझिझक कि उनको किन चीजों की जरूरत है, कैसे हेल्प कर सकते हैं, और छोटे छोटे सिचुएशन से हम पहल कर सकते हैं। और आगे अगर ओवर द ईयर्स क्या बदलाव आया है मैं बताना चाहूँ तो मुझे लगता है जोश से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, वो इस फील्ड में इतने सालों से है, कि पिछले कुछ सालों में आपने क्या चेंजेस देखे, व्हाट आर सम ऑफ द चेंजेस दैट यू हैव सीन जो सिंस यू हैव स्टार्टेड ऑफ। सो आई थिंक द वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस दैट वी कैन रियली पॉइंट टू इज द अवेयरनेस, द नंबर ऑफ पेरेंट्स हु कम ऑन देयर ओन नाउ विदाउट एंड दे कम वेरी यंग, वी सी चिल्ड्रन यंगर एंड यंगर एवरी ईयर, एंड दैट is a huge difference that we've seen in just the awareness that something can be done if we come in quickly. We're seeing schools that are asking us to help them make their classrooms more inclusive. We're seeing doctors referring children much, much younger. And so people are recognizing that this is a real issue and that there are lots of things that are possible for these children. I think that in general, we have a long way to go, but we're seeing slow progress across the board. I mean, I remember going to various places with Moy Moy and people staring at us and making us feel so uncomfortable. And now I see that more and more people are looking at children with disabilities and feeling, rather than keeping them at a distance or making fun of them or shunning them, that they want to understand them, they want to know what's going on. There's still, you know, a lot of ignorance that does exist, and I think that society in general is mostly thinking about itself, and we're all like that. Until something happens to our own child or in our own family, we don't really reach out, we don't notice what's going on around us. But I do feel that in 30 years, we've been working in the field now that long,
there's been a huge amount of progress. If I just look in Dehradun, the number of organizations that existed for disabled children when we started was about 5. And they were all big institutional kind of charity-based organizations. Now we have over 30, and they're doing very creative work. We talk to each other all the time. We are communicating how we can collaborate on various things. So I do see a real energy and a desire to make a difference now in various kinds of inclusion. Thank you. The next question, one of the questions. How does the emphasis on writing in academics affect participation for children? जो हमारे स्कूलों में लिखाई पर बहुत जोर दिया जाता है, उससे बच्चों की participation पे कैसे effect होता है? और हम बच्चों के साथ, schools के साथ कैसे काम कर सकते हैं, जैसे कि हम बच्चों को accommodate कर पाएं इसमें? तो ये बहुत important सवाल है क्योंकि राइटिंग जो है अगर आप पेरेंट्स से पूछो पेरेंट्स बहुत ही कीन रहते हैं कि बच्चा सबके तरह लिखे उन्हीं की तरह तेज लिखे उनकी राइटिंग सुंदर हो क्योंकि कई बार जब आप उनसे पूछते हैं कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है तो उनको लगता है कि राइटिंग एक तरीका है या एक जरिया है जिससे उनके बच्चे नॉर्मल दिखते हैं कि वो और बच्चों की तरह वो चीज कर सकते हैं जो और बच्चे क्लासरूम में कर यदि और थोड़ा टटोले और थोड़ा पूछे कि राइटिंग से क्या हो सकेगा क्या मुमकिन हो सकेगा फिर बात आती है कि वो जो उसे मालूम है जो कॉन्सेप्ट्स मालूम है जो उसने सीखा है वो और लोगों को बता सकेगा अगर ये मकसद है राइटिंग का क्लासरूम में तो फिर हमें एडवोकेट करना चाहिए कि क्या ये चीज और तरीकों से नहीं हो सकती क्या बच्चा वर्बली आंसर नहीं दे सकता क्या बच्चा कीबोर्ड टाइपिंग नहीं कर सकता क्या बच्चे के बदले में कोई और नहीं लिख सकता अगर राइटिंग में डिफिकल्टी है तो कई बार ये चीजें जो है ऑनगोइंग डिस्कशन से कई बार क्लियर होता है और दैट इज वाई मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी कहा था कि ये पूछना बहुत जरूरी है पेरेंट्स से कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है उससे कई बार अंदरूनी उनके जो थॉट्स है वो पता चल सकते फिर आप उसे एड्रेस कर सकते अगर मकसद ये है कि और बच्चों की तरह दिखना है तो स्टिग्मा इज योर बिग इश्यू हियर वो एड्रेस करना जरूरी है अगर ये मकसद है कि वो बस अपनी बात आगे रख सके फिर तो पूरी दुनिया के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है हम कुछ भी कर सकते हैं और शायद अगले 5-10 साल में हम राइटिंग की इतनी बातें करेंगे भी नहीं हम में से कोई नहीं लिखता है आजकल शायद अगले दशक में हम सब राइटिंग नहीं करेंगे हम सब वॉइस टू टेक्स्ट टाइपिंग करेंगे ऑलरेडी ऐसा हो रहा है लोग वॉइस मैसेजेस भेज रहे हैं एक दूसरे को और शायद यहाँ पर डॉक्टर रूपा ये भी कि हमें बच्चे के स्कूल के साथ खुद ही इनिशिएटिव लेकर हमें भी स्कूल के साथ जुड़कर इनिशिएटिव हमारा हो जिससे स्कूल भी स्ट्रेंथन फील करे और उनको हम कोई नई चीज सिखा पाए करेक्ट एंड शुरुआत में जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मीट देम वेयर दे आर आपके लिए हो सकता है कि टाइपिंग एक्सेप्टेबल हो पर शायद स्कूल के लिए अभी एक्सेप्टेबल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा जैसे संकेत की मदर ने उसकी जो राइट्स हैं उसका इस्तेमाल किया डिसेबिलिटी कार्ड बनवाया यूडीआईडी कार्ड बनवाया और उसके जरिए राइटर की मदद ली तो शुरुआत हम वहां से कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का पर्सपेक्टिव बदलेगा उनका नजरिया बदलेगा फिर हम और चीजों के लिए एडवोकेट कर सकते हैं डॉक्टर रूपा एक सवाल अब मैं चुन चुन के सवाल ले रही हूँ नहीं तो बहुत समय होगा मेरे बच्चे को पता नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है यदि मैं केवल बच्चे की पसंद से चलूं तो वो जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को मिस कर देगा सो यहाँ पे मुझे लगता है जैसे हमने बात की कि आपको एंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट दोनों चीजों को देखना है तो अगर आपका मकसद ये है कि आप अलग अलग एक्सपीरियंसेस देना चाहते हैं बच्चे को ताकि वो तय कर सके कि उसे किस में मजा आ रहा है बाय ऑल मींस बट देन आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि कोई भी एक्टिविटी उसके लिए नापसंद वाली एक्टिविटी क्यों बन रहा है क्या वहां पे जो उसको टास्क दिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है बहुत चैलेंजिंग है क्या उसको सपोर्ट्स कम दिए जा रहे हैं आप इमेजिन कीजिए कि आप अगर स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं है
इतने एबल नहीं है और कोई आपको फोर्स कर रहा है हर दिन कि टेनिस लेसन सीखो, भले ये मेरे लिए अच्छी चीज है पर मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी और सस्टेन नहीं कर पाऊंगी। तो सबसे पहली बात, बच्चों को पता रहता है कि उनको पसंद क्या है, नापसंद क्या है। आप पसंद उनकी अलग अलग तरीकों से जान सकते हो, एक स्माइल से जान सकते हो, वर्बली जान सकते हो। और अगर आप एक्सपीरियंसेस देना चाहते हो अलग अलग, तो वहां पे ये जरूर एग्जामिन कीजिए कि कोई भी एक एक्सपीरियंस उनके लिए अनप्लेजेंट क्यों बन रहा है और उस चीज को मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो जैसे हमने कहा, भाग लेना इम्पॉर्टेंट है, परफेक्शन नहीं। मैं अक्सर सुनती हूँ पेरेंट्स से कि हमने उन्हें टेनिस क्लास में देख डाला, एक लेवल के बाद तो वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। पर आगे बढ़ना क्यों जरूरी है? अगर फर्स्ट लेवल में मजा आ रहा है तो वहां पे क्यों नहीं रह सकता वो? सबको आगे बढ़ना, सबको लियांडर पेस बनना क्यों जरूरी है? भाग लेना इम्पोर्टेंट है, मजा लेना इम्पोर्टेंट। थैंक यू। अगर किसी बच्चे को प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी है तो क्या उसकी पार्टिसिपेशन पर काम कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फिजिकल प्रॉम्प्ट्स के साथ इन्वॉल्व किया जा रहा है? बिल्कुल। तो हम पार्टिसिपेशन का जो मेन कोर आइडिया जो हम बता रहे हैं, जैसे हमने मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि अगर फूल मुरझाया हुआ है, आप एनवायरनमेंट को देखोगे कि मैं क्या बदल सकती हूँ। अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसे प्रॉम्प्ट्स की जरूरत है, पर प्रॉम्प्ट्स के जरिए वो चीज कर पा रहा है जो उसके पसंद की है, एब्सोल्युटली हम प्रॉम्प्ट्स देंगे और उसको वो चीजें अनुभव करने का मौका देंगे जिसमें उसे मजा आता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को जैसे हमने अभी दिखाया था, जैको ऑफकोर्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, पर कम्युनिकेट करने के लिए अगर उसको कम्युनिकेशन एड्स की जरूरत है और उसके जरिए वो बता पाता है कि उसको क्या करना है, म्यूजिक सुनना है कि कुछ देखना है, तो एब्सोल्युटली हम उसको उस सपोर्ट की मदद देंगे कि वो कम्युनिकेशन एड के जरिए हमें बता पाए कि वो क्या चाहता है और उसका फिर मजा ले सके। थैंक यू। हम प्रोफेशनल लोग बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने में इतना ध्यान देते हैं और उसी की बात में बारे में बात करते हैं, क्या पार्टिसिपेशन और इंडिपेंडेंस अलग चीजें हैं? कैसे एक दूसरे से अलग हैं? तो पार्टिसिपेशन मतलब जस्ट करना, कोई चीज को आगे बढ़ के करना, चाहे आपको उसके लिए लोगों की मदद लगे, चाहे उसमें आपको किसी मशीन की मदद लगे, चाहे कोई भी मदद लगे, आगे बढ़ के वो चीज करना। और जैसे हमने कहा, जरूरी नहीं है कि आप उसको परफेक्टली करें, बस करना इम्पोर्टेंट है, बस ये जज्बा है। तो सर्टनली पार्टिसिपेशन इज नॉट इक्वल टू इंडिपेंडेंस, कि ये शर्त रखना कि आप इंडिपेंडेंटली चीजें करो तो ही आप कर सकोगे, ये मेरी गुजारिश है कि ये शर्त रखना बंद करें। अगर बच्चा चाहता है कि और बेहतर हो, इंडिपेंडेंट हो, तो बेशक कर सकते हैं, पर हमारी तरफ से ये शर्त रखना कि जब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक आप दोस्त नहीं बना सकते, तब तक आप खेलने नहीं जा सकते, तब तक आप भाग नहीं ले सकते डांस में, अगर आप चल नहीं सकते, ये शर्त रखना ठीक नहीं। और इसमें डॉक्टर आपने एक उदाहरण हम लोग को दिया था, जब हम लोग को आपने सिखाया था पार्टिसिपेशन के बारे में, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शेयर करूं वो। Of course. आपने हमें बताया था कि माता पिता कहते हैं कि बच्चे को शॉपिंग नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि वो व्हीलचेयर में है, तो आपने कहा कि शॉपिंग ले जाने के लिए और व्हीलचेयर में क्या कनेक्शन है? उन्होंने कहा क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है, चल नहीं सकता है ना, तो आपने कहा कि भाई ऐसी जगह शॉपिंग जाइए जहाँ एस्केलेटर हो, जहाँ लिफ्ट हो, ताकि आप उसकी व्हीलचेयर को डालें, he can participate in the process of shopping, uska chalna to zaruri nahi hai, so participation in shopping does not depend on the child becoming independent, right? sahi tha udharan, maine kuch bilkul nahi nahi bilkul sahi udharan tha ye aapne hi hame thank you agla sawal ye hai, as a parent main kai professionals ko consult kar chuka hu, har koi naya nazariya batata hai
मुझे कैसे पता व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर माय चाइल्ड? सो जो पेरेंट आपकी इच्छाओं का, आपके होप्स एंड ड्रीम्स की कदर कर, जो पेरेंट नहीं सर, जो प्रोफेशनल आपसे पूछता है कि आप क्या चाहते हैं, आपके बच्चे से पूछता है कि वो क्या चाहते हैं, उनकी सुने. पार्टिसिपेशन कैसे नापा जाएगा? सो नापने के हैं तरीके. और सिंपल, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो जैसे अभी रूपा ने जो एग्जाम्पल दिया कि शॉपिंग करना और शॉपिंग का अनुभव या लुत्फ उठाना, अभी ये एक बहुत पर्सनल चीज है. अभी इसको वो बच्चा कैसे अनुभव करता है, कैसे एक्सपीरियंस करता है, मैं कभी नहीं बता सकती क्योंकि मैं वो नहीं हूं. तो ऐसे कुछ तरीके हैं जो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चा इस एक्सपीरियंस से पहले कितना सेटिस्फाइड था और अब कितना सेटिस्फाइड है. पहले वो कैसे उसमें करता था, अब कैसे करता है. और इवन इससे भी पहले शॉपिंग जाना उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कि उसके पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं. तो ये हम माप सकते हैं इस तरीके से. पर ये याद रखना जरूरी है कि पार्टिसिपेशन के लिए कोई बेंचमार्क नहीं है. आप ये नहीं कह सकते कि 100 में से 70 मार्क लाए तो पार्टिसिपेशन अच्छा कर रहा है. ये एक बहुत पर्सनलाइज्ड अनुभव है. तो जो मेरे लिए सिंगिंग में पार्टिसिपेट करना, जो के लिए सिंगिंग में पार्टिसिपेट करने से बिल्कुल अलग हो सकता है. तो ये हर इंसान के लिए अलग है और इसीलिए टूल भी वैसा होना चाहिए जो ये कैप्चर कर सके. आई थिंक देयर इज अ क्लोन ऑलरेडी देयर ऑन द स्क्रीन. डॉक्टर रूपा, सवाल नहीं होंगे हमारे, बहुत सारे सवाल इंडिविजुअल हैं कि रूपा दीदी हम ये करते हैं तो इसमें एंगेजमेंट क्या है, रूपा दीदी हम ये कर रहे हैं इसमें पार्टिसिपेशन क्या है. तो मैं आज का सेशन इस चीज से कंक्लूड करना चाहूंगी आपके साथ कि आपने हमें एक नया नजरिया दिया है, नया दृष्टिकोण दिया है कि हम सब ये नहीं देखें बच्चे में क्या कमियां हैं, हमें ये फोकस करना है कि हम बच्चे को पार्टिसिपेट कराएं और एनवायरनमेंट में क्या बदलाव लाएं जिससे बच्चा पार्टिसिपेट कर पाए. और आपने इतने सारे हमें उदाहरण दिए हैं जो हम सब के लिए अब एक नई प्रेरणा बन गए हैं. तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रूपा श्रीनिवासन. थैंक यू टू द ऑडियंस. एंड लोग मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि प्लीज हमारे कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए और डॉक्टर रूपा श्रीनिवासन को बताइए कि कितना अच्छा सेशन और कितना अच्छा वेबिनार था. तो बहुत बहुत धन्यवाद लतिका विहार, लतिका रॉय फाउंडेशन की तरफ से, हमारे सब दर्शकों की तरफ से, एंड थैंक यू जो आप सब की तरफ से. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रूपा कि आप आए और आपने हमें यहाँ ज्वाइन करा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बुलाया. और मेरे लिए ये साल भर का सबसे बेस्ट घंटा रहा है. मैं देख रही थी कि किसी ने बोला उनके लिए हफ्ते भर का है, ये मेरे लिए पूरे साल भर का बेस्ट घंटा रहा है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीबॉडी. बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच रूपा. बाय एवरीवन. बाय.